हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे जो अगले एक्सेशन किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछला मैंने बताया था कि मराठा राज्य के उन्होंने एक्सेस किया कैसे, कि मराठा राज्य जो है 1761 के युद्ध के बाद, जो पानीपत का युद्ध था उसमें वो उनकी हार हुई थी और काफ़ी क्षेत्र वो खो बैठे थे। यहाँ दिल्ली आए थे वो लड़ने के लिए, और ये गंगा यमुना का प्रदेश है और मराठों का जो क्षेत्र है वो यहाँ है। और आपको पता है जो अंग्रेज थे वो बंगाल को जीत चुके थे, ये बंगाल है। ओके, मैप पे समझा करो, मैप पे बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। अब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया कि दक्षिण को और जीत लेते हैं, क्योंकि दक्षिण में यहाँ व्यापार का एक बड़ा क्षेत्र था समुद्री व्यापार के लिए उन्हें तो। और उसमें एक बड़ी बाधा थी मराठे, और एक बड़ी बाधा थी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को वो हरा चुके थे 1799 में श्रीरंगापट्टनम की संधि में। मराठों की बारी थी और मराठे भी उनसे हारे। तीन युद्ध हुए, आखिरी युद्ध जो है 1817 में, और इसके द्वारा जो पेशवा था, जो हेड था कॉन्फेडरेसी का, मराठा संघ का, उसको विट्ठल भेज दिया और उसको पेंशन दी गई। और इस तरह से जो ये विंध्याचल पर्वत है, अगर आप कभी मध्य प्रदेश जाओगे तो वो आपको एक ऐसे ट्रेन सी जाती हुई दिखाई देगी, वो विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। विंध्याचल पर्वत तक उनका शासन आ गया था। ओके, उसके बाद अब अंग्रेजों को दूसरे क्षेत्र जीतने थे। सब्सिडरी अलायंस के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह से उन्होंने रेजिमेंट रखे और एक एक करके राजाओं के क्षेत्र छीन लिए। अब ठीक, द क्लेम ऑफ पैरा माउंटेंसी। पैरा माउंटेंसी का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। और अब ये दिखाना चाहते थे सभी राज्यों को कि चाहे कहीं भी एक क्षेत्र हो, एक्चुअल में पैरा माउंटेंसी, एक्चुअल में जो राज है वो कंपनी का है। इट इज क्लीन फ्रॉम द अबव दैट क्लियर फ्रॉम दैट फ्रॉम द 18th 19th सेंचुरी द कंपनी परसुएड एन अग्रेसिव पॉलिसी। अग्रेसिव मैंने आक्रमक आक्रमक, कि अब वो किसी समझौते या संधि के तहत क्षेत्र नहीं जीत रहे थे। अगर उन्हें इसके लिए युद्ध भी लड़ना पड़े तो वो लड़ रहे थे और अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन कर रहे थे। अंडर लॉर्ड हेस्टिगंज, एक था वॉरेन हेस्टिगंज जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये था लॉर्ड हेस्टिगंज जो आए थे 1813 और रहे वो 1823 तक। ए न्यू पॉलिसी, उन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई पैरा माउंटेंसी की, और इसके तहत क्या था कि इंडियन जो स्टेट्स हैं उनको उनके ऊपर सुप्रीम पावर ब्रिटेन है, और ब्रिटेन ही के ही जो रूल हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे इंडियन स्टेट्स को। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सेशन। और उन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय राजाओं को हम जीत रहे हैं वे न्यायपूर्वक है, मतलब उनका जीतना कोई गलत नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता। दिस प्रोसेस हावर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैरा माउंटेंसी की जो नीति उन्होंने अपनाई और अपने आप को सुप्रीम पावर घोषित किया, उसका विरोध नहीं हुआ। बहुत सारे जो राज्य थे, उनके किंग्स थे या हेड थे, वो अब भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। वो राज्य नहीं छीनना चाहते थे और वो ब्रिटिशेज को विदेशी मानते थे और अपने स्टेट को वो बचाना चाहते थे। उनमें से एक जो राज्य था वो था किंटूर, जो कर्नाटका में है वो राज्य था। वैन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स, एनेक्स मैंने बार बार बताया आपको, किसी पर जबरदस्ती से फोर्सली किसी को छीनना, किसी भी राज्य या भाग को जबरदस्ती अधिकार जमाना। स्मॉल स्टेट थी किंटूर की इन कर्नाटका टूडे। रानी चेन्नम्मा वहाँ की शासिका थी, उसने हथियार उठा लिए थे ब्रिटिशेज के खिलाफ, रेसिस्टेंट मूवमेंट और विद्रोह चला आंदोलन किया। शी वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। मतलब ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं हमारे देश में, वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बहुत सारे कष्ट सहे हैं। बट ये चिनम्मा रानी थी, इसको अरेस्ट कर लिया था और ये जेल में ही मर गई थी 1829 में। बट रैना,
रैना जो एक चौकीदार था बहुत ही, ऑफ संगोली इन किटूर, किटूर का उसी के साम्राज्य का, कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स। और उन्होंने जो लोकल लोग थे उनका साथ लेकर ब्रिटिश कैंप और रिकॉर्ड्स को नष्ट किया। ही कॉट एंड हैंग्ड बाई, हैंग्ड मैंने फांसी दे देना, 1830 में उसे पकड़कर उसे फांसी दी गई। यू विल रीड मोर अबाउट द सेवरल केसेज ऑफ रेजिस्टेंट लेटर इन द बुक, बहुत सारे और भी उदाहरण पढ़ोगे आप, नेट पे भी सर्च कर सकते हो। ये रानी चेनम्मा है, अभी इसका इसमें किटूर डिस्ट्रिक्ट में ये सिंबल बना हुआ है। अब क्या था, पंजाब का एक्सेशन कैसे किया, पंजाब में राजा रणजीत शासन करते थे। राजा महाराजा जो रणजीत है वो पता था उनको कि ब्रिटिशेज अब उत्तर भारत की तरफ भी रुख करेंगे। जब उन्होंने देख लिया था कि जब सारे ही राज्यों को वो जीत रहे हैं तो अपने पंजाब को भी बचाना मुश्किल था, ये पंजाब राजा था। संयुक्त पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान की तरफ गया हुआ, पंजाब एक बहुत बड़ी स्टेट थी। और राजा ने रूस से भी सहायता मांगने की कोशिश की, अफगानिस्तान से मांगने की कोशिश की, और उन्होंने संधियां भी स्थापित की। देखो उस टाइम भी हमारे राजा जो है विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए दूसरे देशों में जाया करते थे, और उन्हें पता था कि ब्रिटिशेज के खिलाफ जो हमारी सहायता इन्हीं राज्यों से मिल सकती है, तो उनसे संबंध स्थापित किए। लेकिन राजा के खिलाफ बहुत ज़्यादा युद्ध हुए, अंग्रेजों ने युद्ध लड़े उनके खिलाफ, और अंत में 1849 में पंजाब को भारत अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रसिया, वो रसिया से वरीड थी क्योंकि रसिया भी इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवादी देश था, इम्पीरियलिज्म का एक्सपेंशन कर रहा था, अपने क्षेत्रों को बढ़ा रहा था, और बहुत सारे यूरोप में भी, क्योंकि ये रसिया आपको पता है एक ऐसा बड़ा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है, तो यूरोप में भी अपना सिक्का जमा रहा था और एशिया में भी। इट इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया, और उसको पता था कि अगर रसिया की नज़र एशिया पड़ी तो वो एशिया और फिर इंडिया में प्रवेश कर जाएगा, और इस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य से अपने साम्राज्य का डर सता रहा था। ड्राइवन बाय द फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, और आपको पता है आपका भारत का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा कौन सा है, ज़रूर आप मैप याद किया करो बच्चों, ये जो हमारा हिस्सा है ये नॉर्थ वेस्ट है। तो अब क्या है, रशिया भी इधर ही है, ऊपर चाइना से ऊपर इस तरफ रशिया है बहुत बड़ा, यूरेशिया इसे बोलते हैं। तो इन सीमाओं को बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान भी हमारे ही देश का हिस्सा था ना, तो हमारी सीमाएं जो है अफगानिस्तान तक लगी हुई थी, और अफगानिस्तान से थोड़ी ही दूर अगर मैप में देखोगे तो रशिया है। तो इस साइड को बचाना अंग्रेजों के लिए था कि कहीं जो रशिया है यहाँ से प्रवेश ना करें और उनका जो साम्राज्य है पूरा बिखर ना जाए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, रसिया को रशिया के डर से उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का जो कंट्रोल था अपने हाथों में लेना शुरू किया, और अब जितने भी राजा महाराजा वहाँ थे उनको ख़त्म करना उनकी पहली काम था। दे फोट प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान बिटवीन, अफगानिस्तान से युद्ध हुए 1838 एंड 1842 एंड इस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल, मतलब इनडायरेक्ट का मतलब राजा को वहाँ अधिकार दे रखे थे जो अफगानिस्तान का था, लेकिन जो बहुत सारे मामले थे वो ब्रिटिश कंपनी कंट्रोल कर रही थी। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। आजकल अगर सिंध देखोगे तो पाकिस्तान का गुजरात से ऊपर जो ये है इस तरफ भारत का गुजरात है, और जो ये इलाका है वो सिंध है, ठीक है। सिंध को इन्होंने कब ओवरटेक किया, 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, अब पंजाब को जीतना था, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी आफ्टर हिज डेथ, और राजा की डेथ हो गई
1839 में टू प्रलोंग्ड वार वाज फोट विद सिख किंगडम। उसके बाद जो सिख थे वो लड़े अजीत सिंह के नेतृत्व में, अल्टीमेटली और अंत में सिखों को हरा दिया गया और 1849 में पंजाब को अनेक्स कर लिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ये डेट याद रखना, इतनी सारी तो मत रखो जय, अफगानिस्तान के साथ युद्ध में रखो और पंजाब को कब अनेक्स किया गया ये याद रखो। महाराजा का क्या नाम था, ये सब वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। अब जो सबसे बड़ी संधि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई वो पॉलिसी लाई गई जिससे बहुत सारे भारतीयों राजाओं के, अब तक तो ये युद्ध लड़ रहे थे, अब ये अपने आप को शासक समझ रहे थे कि अब हम हमारे साथ ही कोई पैरलर पावर ना रहे, मतलब शासन जो है सभी अंग्रेजों के हाथ में होना चाहिए। जो राजा हैं या तो वो राजे ही ना रहे, अगर रहे तो वो पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में रहे, उनके सारे मामले जो हैं अंग्रेज सरकार देखे। इसके लिए ने एक नीति अपनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे लैप्स की नीति भी कहते हैं। अब लैप्स की नीति के द्वारा क्या किया गया कि अगर किसी राजा की डेथ बिना किसी सक्सेसर के हो जाती है, सक्सेसर मैंने उत्तराधिकारी के हो जाती है, और सक्सेसर भी बेटा होना चाहिए, बेटी को भी नहीं माना, और ना ही वो सक्सेसर कोई गोद ले सकता था, किसी बच्चे को सक्सेसर बनाने के लिए वो गोद नहीं ले सकता था। अगर किसी की डेथ हो गई तो अंग्रेज सरकार उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेती थी। अब ये नई चाल थी भारतीय राजाओं को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की, और इस नीति को बनाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। ये 1848 से 1854 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, और ऐसे में इन्होंने बहुत सारे राज्यों को, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, उदयपुर के राजा, झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर, ऐसे बहुत सारे राज्य जो उनको लगा कि ये बिना किसी सक्सेसर के हैं, उनको वहां से हटा दिया गया। द फाइनल वेव, ये और ये फाइनल चीज थी, 1857 के बाद उन्होंने किसी भी राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया, मतलब जो राज्य रह गए उस टाइम 1857 में, क्योंकि उस टाइम क्वीन का राज आ गया था, इतने बड़े विद्रोह को देखकर ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर हो गई कि इतना बड़ा विद्रोह अगर हुआ तो इसका मतलब कंपनी वहां सही शासन नहीं कर रही, और कंपनी सही शासन नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है तो कि उसका कंट्रोल छीन लिया जाए। रानी उसकी कंट्रोल करने लगी, और रानी का मतलब होता है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने अपना जो भारत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। पहले शासिका जो थी वो कंपनी थी, अब जो रूलर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, और ये बहुत बड़ा अच्छा हुआ। प्राइवेट, जैसे प्राइवेट हाथों से पब्लिक हाथों में चली जाए ना बात, वो उस तरह की बात थी। जैसे कंपनी तो क्या थी, कुछ लोगों ने कंपनी खोल रखी थी उसके अनुसार राज कर रहे थे, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है ना वो तो हर चीज़ के लिए जवाबदेही होती है, अकाउंटेंसी होती है उसकी, लायबल होती है, वो जवाब देती है। तो इस वजह से 1857 के बाद क्रांति हुई, और क्रांति के बाद सारे अधिकार जो है वो कंपनी से ले लिए गए, और भारत का राज्य सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया था। लेकिन इससे पहले जो फाइनल वेव आई थी वो थी लैप्स की नीति, पॉलिसी ऑफ लैप्स या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो और भारतीय बहुत सारे भारतीय राज्यों को मिलाकर लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। गवर्नर जनरल थे वो 48 से लेकर 1856 तक, मैंने 54 बता दिया पीछे, 56 तक ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी दैट कम टू बी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दी डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट, ये डॉक्ट्रिन क्या घोषणा करता है ये आप याद कर लेना, इसका मीनिंग आ गया कि इसका क्या मतलब या किस इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। दैट इफ एन इंडियन रूलर, अगर कोई भारतीय राजा डाइड विदाउट ए मेल, मेल बोला यहाँ लड़का होना चाहिए, हायर मैंने होता है उत्तराधिकारी, हिज किंगडम वुड लैप्स, उसको लैप्स किया जाएगा, मतलब वो राज्य छीन लिया जाएगा।
दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और ये कंपनी का साम्राज्य में मिल जाएगा. वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्सियस सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन. और कौन कौन से राज्य छीने गए ये भी जरूर याद रखना, ये आपके अभी नहीं बल्कि बड़े बड़े एग्जाम में भी बैठोगे तब भी आएंगे. 1748 संबलपुर, 1855 उदयपुर जो राजस्थान में है, 1852 नागपुर जो महाराष्ट्र में है, 1853 और झांसी. झांसी की रानी को तो आप अच्छी तरीके से जानते हो ना, वही. फाइनली इन 1856 1856 कंपनी आल आल्सो टुक ओवर अवध. अवध को भी ले लिया. और आपको पता है अवध ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था और आधा राज्य उसका तभी चला गया था. अवध को उन्होंने इस आधार पर नहीं छीना कि इसका कोई पुत्र नहीं है, थे वहाँ पुत्र वगैरह थे सब कुछ. अवध को कहा कि आप तो जी मिसमैनेजमेंट है, आपको तो प्रशासन ही चलाना नहीं आ रहा, आपके प्रशासन में कुशासन फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है. और कई लोगों ने इसको लूट बताया था अवध को कि ये लूट मचा रखी है इन्होंने. फाइनली दिस टाइम कंपनी टुक ओवर अवध. दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गूमेंट. और उन्होंने एक कारण दिया, कारण वो हर चीज का दे देते थे. दे सैड दे वर ओब्लिक्ड बाई ड्यूटी, कि उनकी ये ड्यूटी है टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट, कि वो लोगों को मिस गवर्नमेंट से वहाँ कुशासन जो फैला हुआ है उससे छुटकारा दिलाएं. नवाब है जो मिसमैनेजमेंट कर रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है. इन लार्ज बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज्ड, और बहुत ही इंसल्ट करके वहां नवाब को हटाया गया. द पीपल ऑफ अवध ज्वाइंट द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट. और फिर जब 1857 की क्रांति हुई तो अवध के जो लोग हैं उसमें शामिल हुए. देखो अवध के लोग शामिल क्यों हुए. अवध जैसे ही अवध जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला तो वहां सेना होगी ना, सेना के कितने सारे सोल्जर्स बेकार हो गए. फिर ये सोल्जर सारे कृषि जो जो पीजेंट घरों से आते थे, जो फार्मर थे, फार्मर पर भी अंग्रेजों ने बहुत बड़े बड़े टैक्स लगाए और उनकी स्थिति बहुत खराब कर दी. और इस वजह से वो जो पीजेंट है वो भी विद्रोह में शामिल हो गए. ठीक है, तो बहुत सारे कारण मिलकर 1857 की क्रांति तरफ ले जाते हैं. देखो भाई ऐसे स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने तो, और पूरा अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैला लिया. और 1857 तक आते आते आप देखो भारत की मोस्टली टेरिटरी, राजपुताना को छोड़कर, कश्मीर लद्दाख को छोड़कर और हैदराबाद की स्टेट और मैसूर की स्टेट को छोड़कर, जो है सारा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में आ गया था. और जो एक और ध्यान रखना, जो रह गए हैं ना वो भी कोई स्वाधीन नहीं थे, ये भी इन पर भी अंग्रेजों, इन राज्यों पर भी अंग्रेजों का पूरा दखल था. अब इसके लिए उन्होंने क्या करना था, नया एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना था. पुराना एडमिनिस्ट्रेशन राजा चलाता था, राजा ने अपने जो भी कर्मचारी हैं छोड़ रखे थे. और ज्यादातर हमारे देश में जो शासन चल रहा था वो मुगल काल का ही चल रहा था, जो मुगलों ने सेटअप किया था साम्राज्य की. सरकारी रिकॉर्ड कहाँ रखे जाएंगे, गांव का प्रशासन कौन संभालेगा, डिस्ट्रिक्ट का कौन संभालेगा, और सरकार जो राज्य है वो कैसे बटा होगा, सरकारों में बटा होगा, जिलों में बटा होगा. पहले राज्यों को सरकार बोलते थे. और जज का काम कौन करेगा, सिपाही को क्या बोला जाएगा, उनका सेनानायक कौन होगा, सजा किस तरह होगी, ये मुगल कालीन के रूल चले हुए थे. अब अंग्रेजों ने अपने जो हैं नया एडमिशन सेटअप करना था तो कुछ चीजें तो उन्होंने वैसे की वैसे रखी, जैसे गांव में पटवारी आज तक रूल कर रहा, रूल नहीं कर रहा सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा. रूल और एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा फर्क होता है. तो उन्होंने क्या क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था भारत का फर्स्ट, और दूसरा था लॉर्ड
हेस्टिंगन्स वो बाद में आया था, वॉज वन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट फिगर हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ अ कंपनी पावर बाई हिज टाइम. द कंपनी हैड अक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे और मद्रास. ब्रिटिश टेरेटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेजिडेंसीज. ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की इकाई बनाई गई हम अंग्रेजों ने वो बनाई गई प्रेजिडेंसी. प्रेजिडेंसी बाद में प्रोविंस बन गई, प्रोविंस जैसे प्रांत और प्रांत आज बोलते हैं हम स्टेट, हरियाणा, पंजाब, राज्य. देयर वर थ्री प्रेजिडेंसी, थ्री ही थी इनके पास. मद्रास था साउथ में, कलकत्ता था इधर बंगाल में, और बॉम्बे था. तीन प्रेजिडेंसी बना दी इन्होंने, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. ईच वर रूल्ड बाय द गवर्नर, और इनका एक एक गवर्नर होता था. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स. द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस. अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो भी वो ही भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गया जो बंगाल का था, और उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स लेके आए. और आपको पता है कि उस टाइम ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी आ चुकी थी और बहुत सारे प्रशासनिक सुधार नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे. पुराने राजाओं के शासन ख़त्म हो चुके थे. अब वो भी चाहते थे कि भारत या दूसरी कॉलोनी जहाँ भी अंग्रेज जाए नए नए प्रशासन के नियम बनाए जाएँ. और नियम वो कैसे बनाएंगे? वो नियम ऐसे बनाएंगे जो अंग्रेजी शासन को सपोर्ट करते हों. ठीक है, और सबसे पहले हमारे देश में जो आधुनिक किस्म की कोर्ट थी, पहले राजा के दरबार ही कोर्ट हुआ करते थे. आपको पता है जैसे जहांगीर एक चैन रखता था अपनी सिंहासन के नीचे कि कोई भी बैल बजा के घंटा बजा के न्याय मांग सकता था, इस तरह से कोर्ट होते थे और हमारे यहाँ न्याय करते थे, न्यायाधीश होते थे. मुगल काल में काजी होते थे, काजी न्याय करते थे धर्म के आधार पर, मोस्टली धर्म के आधार पर. लेकिन अब जो न्याय है लिखे हुए कानूनों के आधार पर होने लगा जिसमें किसी धर्म को नहीं. लेकिन शुरू में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये कोशिश की कि भारत में अगर कोई कोर्ट स्थापित किया जाए तो हिंदुओं को हिंदुओं के अनुसार, धर्म के अनुसार न्याय किया जाए और मुसलमानों के साथ मुस्लिम धर्म के अनुसार न्याय किया जाए. लेकिन बाद में हमारी जो कोर्ट है वो क्या हो गई, एक स्थापित कानून हो गया वहाँ, रूल ऑफ लॉ, और जो नए कानून लिखे जाने लगे. वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे न्याय आप भी हमारे यहाँ धर्म के नाम पर करती है कोर्ट. पता आपको साहबानों केस आया था अभी पीछे ही, जिसमें एक मुस्लिम औरत ने केस किया था कि तीन तलाक ना दे हमें, ऐसा कानून बनाया जाए क्योंकि हम भी तो भारत की ही महिलाएं हैं, हमें धर्म के नाम पर क्यों छोड़ दिया गया है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में तीन तलाक दे सकता है पति, चार पत्नियां रख सकता है. लेकिन अब वो कानून बना दिया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी जो न्याय है वो भारत के न्याय के अनुसार मिलेगी, भारत के कानून के अनुसार न्याय मिलेगा, न कि मुस्लिम कानून के अनुसार. ओके, तो उसने जस्टिस के क्षेत्र में, और सबसे पहले जो कोर्ट स्थापित हुआ वो कोलकाता में स्थापित हुआ, बॉम्बे और मद्रास में. सबसे पहले हम कोर्ट में, जो कलकत्ता में कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं. फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1774 में, उसके अनुसार सबसे पहले हमारे यहाँ कोर्ट बनी थी. एक्ट मैंने कानून आया था, इसी ये बात नहीं है कि अंग्रेज अपने हिसाब से शासन कर रहे थे, जो कोर्ट उनकी कानून बनाती थे ना पार्लियामेंट, उसके अनुसार ही कानून बनाते थे वो. तो 1772 में एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ जस्टिस का. ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव टू कोर्ट, जो बंगाल की हर डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया, एक एक कोर्ट बना दिया. और इस कोर्ट में क्या कर दिया, एक क्रिमिनल कोर्ट थी, एक तो क्रिमिनल कोर्ट थी और एक थी सिविलियन कोर्ट. क्रिमिनल में तो क्रिमिनल को बोलते हैं फौजदारी कोर्ट, ये याद रखना. ये फौजदारी शब्द जो है अरबी फारसी का शब्द है,
और क्रिमिनल फौजदारी में वो मामले आते हैं जो खून और या कत्ल से मामले होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक था दीवानी अदालत। दीवानी में पैसे से संबंधित सिविल झगड़े होते थे, लेन देन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, ठीक है। मौलवी जो न्याय करते थे, काजी या मौलवी, और हिंदू पंडित, इंटरप्रिटेड इंडियन लॉ। शुरू में अंग्रेजों ने कोशिश की भारत में जो कानून है वो मुस्लिम और हिंदू धर्म के लोगों को उनके धर्म के अनुसार ही बनाया जाए कानून को। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रेजिडाइज ओवर सिविल कोर्ट्स, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, आज के डीएम और डीसी, ठीक है ना, आईएएस ऑफिसर होते हैं ना जिले में, वो कलेक्टर बोलते थे उनको, बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, राजाओं जैसे होते थे वो भी, तो उनको प्रेजराइज कर दिया कि सिविल कोर्ट्स में को वो देखेंगे, सिविल कोर्ट्स का जो मामले हैं वो सुनेंगे। और आज भी हमारे यहाँ जो डीएम होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो क्रिमिनल मामले सुनता है। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेजराइज ओवर सिविल कोर्ट्स, द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी। और क्रिमिनल कोर्ट वो सिविल मामले देखता था कलेक्टर, और जो काजी था और मुफ्ती, ये दोनों थे, वो फौजदारी मामले देखते थे। मतलब फौजदारी कौन से होते हैं? क्रिमिनल टाइप के। दीवानी होते हैं पैसे से रिलेटेड। ये कुछ शब्द हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, ग्रोसरी वर्ड को जरूर कर लिया करो। काजी जज होता है, मुफ्ती है जूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्ट्रेयर। वो भी एक जूरिस्ट होता था, मतलब न्यायाधीश होता था, और वो जो काजी द्वारा दिए गए फैसले उनको देखता था। इम्पीचमेंट का मतलब होता है एक ऐसी ट्रायल, मतलब कोर्ट की ट्रायल, ट्रायल हीरिंग होती है, जैसे मुकदमा चलता है। इम्पीचमेंट मैंने मुकदमा लगा लो और किसी के प्रति, जैसे रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध जो है मुकदमा चला और बाद में उसको एक्यूज्ड साबित किया गया, या तो उसे पद से हटाया जाता है या उसको कोई भी दंड दिया जाता है, मुकदमा, ठीक है। और इस तरह से ये देखो, जो वारेन हेस्टिंग्स थे, बहुत सा कमा के ले गए थे, लेकिन बाद में उनके विरुद्ध इम्पीचमेंट लगी, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट बैठी हुई है, और बाद में इसको सजा मिली थी। उसके बाद जो है, जो कंपनी है वो धर्म शास्त्रों के अनुसार न्याय करना चाहती थी, मैंने बताया ना, वो हिंदुओं से हिंदुओं के अनुसार न्याय करना चाहती थी मुसलमानों के, लेकिन मुसलमानों की तो चलो कुरान थी, लेकिन भारत में तो धर्म शास्त्र भी बहुत सारे थे ना। गीता कुछ कहती है, महाभारत कुछ कहती है, रामायण कुछ कहती है, ये हर युग में मनुस्मृति कुछ कहती है, अर्थशास्त्र कुछ कहता है, तो इस तरह से ये भी मुश्किल थी। इन्होंने तो क्या किया, उन्होंने एक व्यक्ति को सारे धर्म शास्त्रों को कंपाइल करके एक विधि निर्धारित, भाई इन सबका एक जो आइडिया हो आप वो हमें बताएं, वही हम आपके लिए लिख देंगे कानून में। बहुत सारी किताबें जो एक बात पे सहमत हों आप वो कानून के रूप में हमें बताएं। ए मेजर प्रॉब्लम वाज द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए लोकल लॉ बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। मैंने बताया ना, धर्मशास्त्र के आधार पर अलग अलग से कानून बनाए गए जो हिंदू पंडित थे, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मेलिटी। तो इसको एक यूनिफॉर्मेलिटी देनी जरूरी थी, एकता जरूरी देनी थी। तो 1775 में 11 पंडित चुने गए, और उनको कहा गया कि भाई जितने भी हिंदू ग्रंथ है उनमें से आप एक ऐसा हिंदू लॉ बनाइए जो सबको डाइजेस्ट हो, मतलब सारे धर्म शास्त्र जिस पे एक ही बात कहते हों और जिस पे सहमत हों, एकता स्थापित हो विचारों की, वो आप बना दीजिए। एन बी हल्लाद हल्लेद ट्रांसलेट दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। और फिर हिंदुओं ने, सेवन जो हिंदू थे, 11 हिंदू थे, उन्होंने कहा, और एन बी हलेद जो है कोई ब्रिटिशिस्ट थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया इसको इंग्लिश में। 1778 में एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज। और उसके बाद फिर मुस्लिम को भी कंपाइल किया, मुस्लिम धर्म के ग्रंथ को भी, और यूरोपियन जजेस को सौंपा गया। और अब रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी कलकत्ता में, और उसके साथ ही सरदार निजमत अदालत वाज आल्सो सेट अप विद कलकत्ता। उसके साथ ही सरदार निजामत जो कोर्ट है वो स्थापित गई। एक कोर्ट तो अंग्रेजी कोर्ट थी, और दूसरी अपील के लिए सरदार निजमत कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील सुनता था, सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो है द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। जैसे आज डीसी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उस टाइम भी जो कलेक्टर होता था वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट फिगर होती थी, मतलब सबसे बड़ा पोस्ट होती थी। और उसका काम क्या था, टैक्स और रेवेन्यू इकट्ठा करना लोगों से। और वो ब्रिटिशेज इन डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगा, दरोगे होते हैं ना पुलिस में, हिज ऑफिस द कलेक्टर बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब कोई जज या नवाब पावर का सोर्स नहीं था, अब तो ये जो कलेक्टर थे ना यही सब कुछ बन गए, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन था इनके चारों ओर घूमता था। अब कंपनी आर्मी में भी नया नया बदलाव हुआ, और आपको पता है जो बहुत सारे जो सैनिक थे वो भिन्न भिन्न राज्य उनके छीन लिए गए थे। तो सैनिकों में क्या किया गया, पहले मान लो झांसी का सैनिक होता या राजपूताने का कोई शासक होता, मराठा सैनिक होता, तो वो अलग अलग से लड़ते। किसी राजा ने जाति के आधार पर कोई यूनिट बनाई थी, किसी ने किसी आधार पर। लेकिन अब आर्मी भी तो कंपनी को ऐसी चाहिए थी ना जिसमें यूनिफॉर्मेलिटी हो। यूनिफॉर्मेलिटी का मतलब एक जैसे उनके पास हथियार हो, उनकी ट्रेनिंग एक जैसी हो, ताकि युद्ध के समय कोई अलग अलग व्यवहार वो ना करें। इसके लिए क्या ज़रूरी हो गया, जो जाति बंधन थे भारतीय समाज में कि जाट अलग से सैनिक बनाएंगे, राजपूत अलग से, पंडितों की अलग से होगी, और वो एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाएंगे। लेकिन अब यूनिफॉर्मेलिटी ला दी कि एकता आ गई, सब एक जगह इकट्ठे खाएंगे। और जाति बंधन उस टाइम बहुत ज़्यादा कठोर थे, तो जो कंपनी के सैनिक थे वो क्या हो गए, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन द मिलिट्री स्ट्रेंथ। द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑन कलेवरी सवार, जो मुगल सैनिक थे उनको सवार बोलते थे, ठीक है। और सवार का मतलब होता, देखो मीनिंग कैसे बदल जाता है, सवार मैंने घोड़े पे जो चढ़ा हुआ सवार होता है, यहाँ सैनिक है, ठीक है, सैनिक है। और उसको ट्रेनिंग किया जाता है उसमें, एक सवार के रूप में, एक पैदल सैनिकों के रूप में, और कुछ आर्चरी, आर्चरी का मतलब धनुष बाण चलाते थे, और कुछ चलाते थे जो तोपखाने को हैंडल करते थे। ए चेंज अकर्ड इन 18th century, 18वीं शताब्दी में चेंज कैसे आया, जो मुगल सक्सेसर के, मुगल शासन के बाद जो अवध और बनारस के राजा ने राज शुरू किया, तो उन्होंने बहुत सारे किसानों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया, और किसान क्या बन गए, सोल्जर बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी अडोप द सेम मेथड, ईस्ट इंडिया कंपनी में ने भी यही मेथड अपनाया, और उन्होंने भी अपने आर्मी में पीजेंट्स वगैरह को भर्ती करना शुरू कर दिया। और नए नए जो तरीके हैं उनको ट्रेन करने के वो अपनाए। एज वेयर फॉर वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड इन 1820, अब तक तो धनुष तलवारों से लड़ते थे, लेकिन अंग्रेजों के आते आते हमारी आर्मी में भी जो आर्म्स थे या लड़ने के तरीके थे वो चेंज हो गए। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वर सोल्जर वर आर्म्ड विद मस्कट और मैचहॉक, ये मैचलॉक्स, इस तरह की ये बंदूकें होती हैं एक तरफ की, धर्मशास्त्र होते हैं, संस्कृत के जो ग्रंथ होते हैं और हमारे समाज को बिहेव करते हैं, मतलब हमारे समाज के रूल बनाते हैं। सवार मैन ऑफ फोर्सेज होता है, मस्कट एक हैवी गन होती है, और मैच हो गए अर्ली टाइप ऑफ गन, मतलब सबसे लेटेस्ट यही होता है। तो इस तरह के हथियारों का प्रयोग होने लगा, और एक मिलिट्री में यूनिफाइड, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर पैदा हुआ, उसमें जितने भी भेदभाव थे वो ख़त्म कर दिए। और इससे लगने लगा कि जो स्पोए है उनको लगने लगा कि ये हमारे जाति और धर्म को नष्ट कर रहे हैं, अगर हमें साथ बिठा कर खाने खिला रहे हैं या हमारी ट्रेनिंग साथ में हो रही है, तो ये भी एक कारण बना 1857 के विद्रोह का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।